नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वेरिएबल लेंथ हफमैन इनकोडिंग टेक्निक। इसमें हमें कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है पिछले एग्जांपल की तरह। सबसे पहले क्या करना है, इन सिंबल्स को आपको असेंडिंग ऑर्डर यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया, सबसे छोटा एफ है और सबसे बड़ा ए है। अब क्या करना है, ऐड टू सिंबल्स और कैरेक्टर्स विथ लीस्ट फ्रीक्वेंसी एंड आफ्टर एडिशन इंसर्ट इन टू इट्स प्रॉपर प्लेस। इसका मतलब क्या है कि सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाले दो नंबर्स को आप ऐड करो और इसके साथ जो सम आ रहा है, जैसे 3 + 7 क्या होता है, 10 आया, तो ये कहाँ आना चाहिए, 10 कहाँ आना चाहिए, 9 के बाद, तो सी के बाद मुझे 10 वाला इंसर्ट करना होगा। तो पहले कम फ्रीक्वेंसी वालों को ऐड कर दो दो सिंबल्स को, और जो रिजल्ट है उसको उसकी प्रॉपर लोकेशन पे इंसर्ट कर दो। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब एफ और ई ऐड हुआ तो ये 10 आया, लेफ्ट साइड को हमने 0 से इंकोड किया, 1 को, सॉरी राइट को 1 से, तो ये 10 जो आया वो सी से बड़ा है, तो मुझे इसको इसकी प्रॉपर पोजिशन पर लाना पड़ा, तो मुझे यहाँ पर इसको लाना पड़ा, तो ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास बचा है, अब क्या करना है, नेक्स्ट टू को ऐड करना है। तो नेक्स्ट लीस्ट फ्रीक्वेंसी क्या क्या हुआ, 10 और 9, तो ये आपस में ऐड हो जाएगा, तो क्या आएगा, 19। ठीक है, 19 आएगा, तो ये कहाँ इंसर्ट करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर, क्यों, क्योंकि 25 के और बी के 10 के बीच में आना चाहिए, तो बी 10 आ जाएगा और जो भी आंसर आया 19 वो इधर आ गया, यहाँ इंसर्ट हो गया और ये 25 हो गया। लेफ्ट साइड को 0 से रिप्रेजेंट किया और राइट को 1 से किया। नेक्स्ट अब किसका एडिशन होगा, बी और इसका 10 और 19 का, तो आएगा 29, तो मुझे कहाँ लिखना पड़ेगा इसको, यहाँ पर, तो 25 इस साइड आ गया, बीच में ये 29 वाला आ गया और यहाँ लेफ्ट साइड हमने 0 रखा है और राइट साइड 1 रखा है। अब ये 25 और 29 आपस में ऐड होंगे, ठीक है, तो 25 और 29 की वैल्यू क्या आएगी, 54, जो कि कहाँ जाएगी, लास्ट में, तो यहाँ पर हमने इसको इंसर्ट कर दिया, लेफ्ट साइड को 0 से रिप्रेजेंट कर लिया, राइट को 1 से कर दिया। अब 39 और 54 को ऐड किया तो 93 आ गया, लेफ्ट साइड हमारा हो गया 0, राइट साइड हो गया हमारा 1, तो ये सारी वैल्यूज हो गई हैं ऐड। अब अगर आपको किसी का भी कोड लिखना है, तो जैसे आपको कोड लिखना है, तो ए का कोड क्या होगा, रूट से अगर मुझे ए तक आना है तो सिर्फ 0 लग रहा है, ठीक है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, सिर्फ कोड वर्ड क्या हो जाएगा, 0। अब बी के लिए देखें तो B कहाँ पर है, यहाँ पर, तो मैं यहाँ तक कैसे पहुँचूँगी रूट से, 1 1 0, तो B का कोड क्या हो गया, 1 1 0। अब C का देखना है तो रूट से मुझे यहाँ तक पहुँचना है तो कैसे आना पड़ेगा, 1 1 1 0, तो इसका कोड हो जाएगा 1 1 1 0। अब D को देखना है तो D कहाँ से है, 1 0, रूट से लेकर जितनी ब्रांचेस आ रही हैं और उन पे जो नंबर लिखा हुआ है 1 या 0 उसको लिख देना है, तो D का कोड क्या हो गया, 1 0। अब E का देखें, E तक मुझे आना है तो 1 1 1 1 1 1, यानी 5 times 1, तो E का कोड ये हो गया। अब F का दो देखना है तो F क्या हो जाएगा, 1 1 1, 4 times 1 और 0, तो 4 times 1 और 0। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबकी कोड वर्ड लेंथ क्या है, अलग है, इसको 0 बिट चाहिए, 1 बिट से ये रिप्रेजेंट हो रहा है, इसको 3 बिट चाहिए, इसको 4 बिट चाहिए, इसको 2 बिट्स चाहिए, 5 बिट्स चाहिए, इसको भी 5 बिट्स चाहिए, तो सबकी कोड लेंथ या नंबर ऑफ बिट्स जो हैं कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग है, इसलिए वेरिएबल लेंथ है। ठीक है, सिंबल विथ हायर फ्रीक्वेंसी है स्मॉल लेंथ कोड वर्ड, जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी थी, ए की फ्रीक्वेंसी 39 थी, उसको एक ही बिट चाहिए होगी रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, और जबकि एफ की फ्रीक्वेंसी सबसे कम थी तो उसको सबसे ज़्यादा जो है बिट्स लग रही हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। तो नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर टू इंकोड सिंबल्स फॉर बोथ द इंकोडिंग टेक्निक्स। तो अगर सपोज आपसे क्वेश्चन में पूछते हैं कि इन सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी नंबर ऑफ बिट्स लगेंगी, ठीक है, नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर टू इंकोड सिंबल्स फॉर बोथ द इंकोडिंग टेक्निक का क्या फॉर्मूला है, टोटल बिट्स रिक्वायर इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू नंबर ऑफ बिट्स यूज फॉर रिप्रेजेंटेशन। उस वर्ड की कितनी फ्रीक्वेंसी है और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स हुई, जैसे ए है तो ए की फ्रीक्वेंसी 39 थी और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ कितनी बिट्स लगी, 1 बिट्स लगी। तो अब हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर टू इंकोड ईच कैरेक्टर इन वेरिएबल लेंथ हफमैन इंकोडिंग। तो उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर टू रिप्रेजेंट ए प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इंटू नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर टू रिप्रेजेंट बी, ऐसे ही सी के लिए, डी के लिए, ई के लिए और एफ के लिए।
तो यहाँ पर क्योंकि सभी कैरेक्टर्स को इनकोड करने की नंबर ऑफ बिट्स अलग अलग थी, इसीलिए यहाँ पर अलग अलग लिखना होगा। वेरिएबल में हमने डायरेक्टली प्लस किया था, तो यहाँ पर क्या है, ए की फ्रीक्वेंसी थी 39 इंटू, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 1 बिट लगी। बी को, बी की फ्रीक्वेंसी थी 10 और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट्स लगी। ऐसे ही सी का, डी का, ई का, एफ का, तो इस टाइप से हमने जब मल्टीप्लाई की तो हमें नंबर ऑफ बिट्स कितनी लगी इनकोड करने में, 205, जबकि हमें फिक्स्ड लेंथ में कितनी लगी थी, ज़्यादा बिट्स हमें लगी थी 279 बिट्स। तो क्या एडवांटेज है वेरिएबल लेंथ इनकोडिंग, तो एडवांटेजेस ऑफ वेरिएबल लेंथ इनकोडिंग टेक्निक क्या है, असाइन शॉर्ट कोड वर्ड फॉर मोर फ्रीक्वेंटली यूज्ड कैरेक्टर्स एंड लॉन्ग कोड वर्ड फॉर इनफ्रीक्वेंट कैरेक्टर्स, मतलब कि जो ज़्यादा यूज्ड कैरेक्टर्स हैं उनको कम होता है, ठीक है, नंबर ऑफ बिट्स इसको कम लगती है। जैसे यहाँ पर ए की फ्रीक्वेंसी 39 थी सबसे ज़्यादा, लेकिन उसको ए की बिट यूज हुई रिप्रेजेंट करने के लिए, जबकि ई और एफ क्या थे, ये कम लेस फ्रीक्वेंटली यूज्ड कैरेक्टर्स थे, तो इनको जो नंबर ऑफ बिट्स यूज की गई हैं वो ज़्यादा दी गई हुई है, तो उससे क्या होगा, जो हमारा कोड वर्ड होगा वो कम लेंथ का बनेगा, ठीक है, तो मोर एफिशिएंट देन फिक्स्ड लेंथ इनकोडिंग, ये इसका दूसरा एडवांटेज है।